आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीप और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसका नाम है अनएम्प्लॉयड दीप। सो दोस्तों, नया वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं दोस्तों। एक दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं मैं वीडियो बहुत कम चलाता हूँ, लेट होता है, कंसिस्टेंट नहीं है मेरा चैनल। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आज मैं शुरू कर रहा हूँ हाउ टू बी कंसिस्टेंट। दोस्तों मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ दोस्तों, इसीलिए सक्सेस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहिए किसी भी चीज़ में। सो दोस्तों, देखिए, हर कोई बोलता है सक्सेस चाहिए, यूपीएससी निकालना है, वो एग्ज़ाम निकालना है, ये एग्ज़ाम निकालना है, सक्सेस चाहिए, वो करना है, ये करना है। ठीक है, चाहिए चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए सक्सेस। अब दोस्तों, उस सक्सेस को पाने के लिए आपने क्या किया, ये आपको देखना पड़ेगा। पहले आपने क्या किया, कुछ किया नहीं। आप उस लड़की से प्यार करते हो, उस लड़की को पाने के लिए आपने क्या किया, कुछ किया नहीं। गोल्स आपके, टारगेट्स आपके बीट हो रहे हैं नहीं। सुबह 10-10 बजे उठ रहे हो, ठीक है, और तुम्हें पाना है, चांद को छूना है, कैसे होगा, नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, एलोन मस्क हो या फिर बिल गेट्स, उनकी लाइफ देखिए जाके, किस तरीके का लाइफ जीते वो लोग कंसिस्टेंट और रहने के लिए सक्सेस में। आप उनका लाइफ देखिए जाके, एप्पल के सीईओ है जो टिम कुक है, उनका क्या लाइफ है देखिए जाके, वो उनकी लाइफ क्या है, सेम जिंदगी जी रहे हो। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल था स्ट्रगल के वक्त उनका, अभी भी वही लाइफस्टाइल ही है। थोड़ा सा इधर उधर चेंज हुआ होगा, बट अभी तक वही जैसे जी रहे ऐसे ही जी रहे हो, दिनचर्या हमारी जो होती है। सो इतना आसान नहीं है दोस्तों सक्सेस के लिए, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है बहुत। लोग बोलते हैं व्हाट्स द की, ताला खोलने का वो चाबी क्या है सक्सेस की, सक्सेस का ताला, उस की का नाम है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है डू थिंग्स इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक इट। वो काम आपको करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं, आपको लगता है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करने का, फील हो रहा है नहीं करने का। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि किसी को यूपीएससी निकालना है, अब उसको निकालना है, लेकिन उसको वो जो प्रोसेस वो मेहनत नहीं करना चाहता वो, तो इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपको फील हो रहा है कि आपको नहीं करना है, वो भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, समझे। और फोकस ऑन एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोसेस, नॉट द पोटेंशियल रिजल्ट। फोकस करिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उस प्रोसेस का, रिजल्ट का नहीं। सक्सेस मिलने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है, उसके पहले तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उस प्रोसेस का और फोकस कीजिए ज़िंदगी में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उस प्रोसेस को आपको ठीक से वो करना पड़ेगा। देखिए, सक्सेस क्या पता है, सक्सेस मिलने के बाद आदमी आराम हो जाता है, वो बैठ जाता है, उसके बाद उसका कोई और वो नहीं होता, वो आराम से बैठेगा बस, और कुछ नहीं, वो कंफर्ट जोन आ जाता है। समझ में आ रहा है। आपने रॉकी मूवी देखी, रॉकी 1 या 2 में जब रॉकी सबको हरा देता है, उसको स्टैचू बन जाता है उसका, इसके बाद वो हार जाता है एक लंबा लैग से, क्यों, उसको कंफर्ट मिल गया, वो सक्सेस मिल गया, सब कुछ है कि नहीं। तो ये है, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, करते जाइए कुछ भी आपने खोला, कुछ भी चीज़। हाँ, बिजनेस में आपको एक कैलकुलेटर रिस्क लेना पड़ेगा, ये नहीं कि सारा पैसा लगा दिया, है ना, रिमाइंडर रखना पड़ेगा आपको। सो डू व्हाट यू लव और लाइक टू डू, ये भी करना पड़ेगा आपको। और एक तीसरा पॉइंट, आपको जो पसंद, देखिए, आपको जो पसंद नहीं वो भी आपको करना पड़ेगा, और जो आपको पसंद है वो भी आपको करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए, क्योंकि तभी जाके आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आएगा और आप सारी चीज़ ट्राई करके इसके बाद आप इस मुकाम तक पहुंच जाओगे कि आप रिस्क ले सको। सो जो आपको पसंद है वो भी करो, जो आपको पसंद नहीं वो भी करो। डू व्हाट यू लव और लाइक टू डू।
आपको घूमना पसंद है घूमो, आपको किसी को मतलब कुछ भी करना का एक्स्ट्रा चीज़ हॉबीज पसंद है वो भी करो, अच्छा है। ये नहीं कि देखिए अब मैं भी बोल सकता हूँ मैंने अपना टाइम वेस्ट किया 2 साल पहले 3 साल पहले ये करके। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने अपना टाइम रेडियोथेरेपी में वेस्ट किया, रेडियोथेरेपी कोर्स करके, ठीक है 3 4 साल ठीक है वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद जो मुझे वो अगर टाइम में नहीं गुजारता, अगर मैं यार आज यहाँ तक लेक्चर नहीं देता आपके यूट्यूब में सबको, इतना इंटेलेक्चुअलिटी इतना नॉलेज नहीं आता मेरे पास, तो जो भी हुआ है ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उससे क्या आपको सीख मिला वो देखिए। ये नहीं कि जो हुआ सो हुआ ठीक है आराम से बैठ के सो गए, नहीं, उससे आपको क्या सीख मिला वो देखना है आपको। आपको एग्जांपल मैं मनोज दे का देख रहा हूँ, देता हूँ आपको। देखिए अगर मनोज दे का देखिए, उसका आज बुक में नाम आ गया, झारखंड का जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उन उसमें पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है ना, तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए झारखंड में का जो स्टेट लेवल का बुक्स है उसमें मनोज मनोज दे का नाम आ गया उधर। मनोज दे एक ब्रांड एम्बेसडर है झारखंड का, यूट्यूब का ये वो। देखिए तो मनोज दे अगर ITI नहीं करता, एक अच्छा घर परिवार से वो, उसका पापा जो बोलता मतलब उसका पापा ने बोला पैसा नहीं है जो करना है वो कर, ITI करो वो कर, और उसका पापा उसको पढ़ाई लिखाई करवाता ये करता, तो वो यूट्यूब में नहीं आता ना, आज वो वही पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं। सो पास्ट को ज़्यादा कोसिए मत, पास्ट में जो हुआ उससे सीख लीजिए। कई लोग हैं पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अभी खा पी के सो जाता हूँ, नहीं ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है आपको, आपको उसे सीख लेना है, समझ में। तो ये है, सो लेट गो ऑफ योर नेगेटिव पास्ट, ये भी एक मैं बताया आपको, नेगेटिव जो पास्ट है उससे दूर रहिए, उससे सीख लीजिए। नेगेटिविटी भी ज़रूरी है, पॉजिटिविटी भी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों दुनिया में हर चीज़ ज़रूरी है दोस्तों, हर चीज़ करना पड़ेगा आपको, हर चीज़ ट्राई करना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको, है ना। कुछ लोग जिम में जाते हैं, किसी का बॉडी नहीं बनता क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है ना, जिम जाके वो लोग ऐसे ही उधर उधर भागते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, समझ रहे ना। आज एक दिन गया, 2 दिन गया, 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, इसके बाद ख़त्म। और एक बात, यूज़ रिमाइंडर्स, अपने दिमाग में हमेशा रिमाइंड करते रहिए अपने आप को कि मुझे करना है, करना है ये, करना है मुझे ये, करना है कल ये, करना है कल उठ के ये करना है। आप में से कितने लोग, मैं आपको अब बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुबह उठ के रोज़ वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं पेट फूल करके, फिर वॉशरूम जाते हैं रोज़, कितने लोग ये फॉलो करते हैं। आप में से कितने लोग रोज़ 7 बजे उठते हैं ये बता दीजिए। आप में से कितने लोग रोज़ ब्रश करते हैं ये बता दीजिए। कंसिस्टेंसी यही है, यही है कंसिस्टेंसी। आप में से कितने लोग सुबह रोज़ 7 6 बजे उठ के पढ़ते हैं, कितने लोग, जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लोग किसी दिन सुबह 7 बजे उठा, किसी 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठा, टायर्ड लगता है। क्यों टायर्ड लगता है, रात को जल्दी नहीं सोते, इसीलिए रात को जल्दी सो जाइए फिर सुबह उठ के पढ़िए, या फिर रात को पढ़िए सुबह देर से देर तक सोइए। अरे कुछ तो करिए, कुछ तो करिए आप, ऐसा ना वैसा, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला ऐसे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है, जैसे कि आज आपने 6 बजे उठ के पढ़ाई किया, कल भी आपको सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। आज अगर आपने 6 बजे उठ के रनिंग किया, कल भी सुबह आपको 6 बजे उठ के रनिंग करना पड़ेगा। आज अगर आपने शाम को घूमने गए, मतलब तो घूमना तो देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ घूमना जाना है, रोज़ पार्टी करना है। शराबियों का एक कंसिस्टेंसी है, रोज़ शराब पीते, देखिए शराबी कितने कंसिस्टेंट है, उनसे कुछ सीख लीजिए, वो रोज़ शराब पी के सोते हैं रात को। तो आप भी एक रूटीन ऐड कर लीजिए दिमाग में, रिमाइंडर बना दीजिए कि मुझे भी शराबी जैसा रोज़ पढ़ाई करके सोना है रात को, या फिर सुबह रोज़ उठना है और पढ़ाई करना है 1 घंटा 2 घंटा, है ना। तो ये भी ओके है, तो ये आपको करना है। और जिम का भी सेम, जिम भी सेम ही ऐसा ही है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप रूटीन फिक्स फॉलो करना पड़ेगा जिम का भी। तो किसी से ज़्यादा वो मत करिए, ऐसे बहुत एग्जांपल है जो नीचे नीचे से उठ के आए हैं दोस्तों, मतलब नीचे नीचे से उठ के वो लोग आज कहाँ तक पहुँचे। कोई लोग बोलते हैं यूट्यूब में नहीं हो रहा है ग्रो, यूट्यूब चैनल खोलना है। अब दोस्तों देखिए यूट्यूब चैनल खोलना है, यूट्यूब चैनल में आप रोज़ वीडियो डाल पाएंगे, डाल पाएंगे, आपके पास उतना कुछ है टैलेंट नॉलेज नहीं, तो फिर भी आपको यूट्यूब चैनल खोलना है। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको, आपको अपना थोड़ा वक्त देना है, कंसिस्टेंट रहना है, समझ में आ रहा है। टारगेट आपके बीट नहीं हो रहे, आप लड़की पटाने जा रहे हो, कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी से ही
बहुत कुछ मिलता है आपको। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, अपने सेंस अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज़िंदगी में, समझ रहे। वीडियो में इतना ही दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मत करिए, ठीक है। ऐसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग रह रहे वीडियो को मज़ा ले रहे, बस सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, और क्या पता किसी का कुछ भला हो जाए मेरे वीडियो से। मैं तो अपना ही जितना मैं सीखा ज़िंदगी में उतना मैं आपको लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज है। अब मैं और भी वीडियोस लाऊंगा एक कि मतलब कैसे अपने दिमाग को मतलब और तेज़ करें। हम लोग सब माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन पढ़ता है उसको याद नहीं रहता है। तो उस चीज़ को मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो कि कैसे याद रहे, क्या करना है, क्या मेथड्स है, ये मैं वीडियो लाऊंगा एक, उससे आपको अच्छा वो मिलेगा, एक दिमाग का वो मिलेगा। और मेडिटेशन करिए, दिमाग अगर ज़्यादा हो रहा है मेडिटेशन करिए, सांस लीजिए। किसी दिन देखना, सांस लेने में भी गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा, तो सांस लीजिए, समझ में आ रहा है। कंसिस्टेंसी देखिए, कंसिस्टेंट रहिए, और बस थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को जितना जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और इतना ही मैं बता रहा हूँ। चलिए थैंक यू भाई।